फ्रेंड्स, आज मैंने ये सिंग भुजिया बनाई है जो कि बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी है, जिसके लिए मैंने एक बाउल में ये सिंग ले ली है और इसे धो लिया है। और अब इसमें हम आधे नींबू का रस निचोड़ लेंगे इस तरीके से। इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून हम यहाँ पर बेसन का आटा डाल देंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का आटा डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। और अब हम इसमें पानी का थोड़ा थोड़ा छिट्टा डालते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे इस तरीके से अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। और हमने तेल गरम कर लिया है, तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब हम ये सारी सींग इसमें डाल देंगे। तेल अच्छा गरम होना चाहिए ताकि हमारे जो सिंग है वो अच्छे से क्रिस्प हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सिंग भुजिया बिल्कुल रेडी है, अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरीके से ये सिंग भुजिया ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये सिंग भुजिया की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इंटरनेट किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।